खाली एति नुहे से तो जस्मिन को तापसर मृत्यु हो जाए सत कथा है जे मु सब बेले मनीषर चालीचलन आटस अधिक गुरुत्व देसीपाई भावुली संयुक्त आम घर गोटे भल बहु हो पार कि सब कथा केज पर अधिक बड़ हो पार आचु मो मन जहा था मुसबु कथा समस्त मुहरे कहीदे से बो तापस मत के पसंद करती से माने भावती जे मु केवल मो निज छड़ा कहार कथा भी चिंता करेनी एमती मु तांको ऊपर रागी एक घर छाड़ी चली जाई थी हेले तू तो जानी ना मनीष जहाँ निजर बोली भावे ऊपर ही रागे छड़ा मु रागरे नुहे अभिमान घर छाड़ी चली जाई किंतु या माने नुहे जे मो हृदय भल पाइबा कमी आमती लोक को तापस पाखे के रखा चाहे जे कि मो भाई बंची था से मरी जा मिछ कहू संयुक्ता कौन चाहे से जस्मिन को तापस मृत्यु हो जाए कहीं कहला या माने सिया सतरे तार मृत्यु चाहूनी तो दिव्य बाबू बहुत भल पाइबा से अमंगल चाहिए विश्वास कर थोड़े चिंता करी की देख जी मत ये सब कथा कही पार से तो सहित केमिति व्यवहार करिबे खाली करिबे कौन मत तो लगुच से प्रथम तते ही ए घर बाहर करने कथा चिंता करुथिबे सतरे बो आज नानी कथा शुणा पर लगुच आग को घरे कथा ही समस्ते मानवे जी न मानवे से घरे रही देमी संभव हो पार जी समस्त घर बाहर करने चेष्टा कर बाहर करेंगे बास बड़ बहु ताना तुम मो आगे धरवनी कहीं जिते थर ता ना मुझुच मो राग से बढ़ी बढ़ी जा बुझी पार नहीं मन में कौन का भल पाइबे ना ता छा तापस दृष्टि देह भी भल ना एमती समय से सब कथा केमी कही पारा बो आपण ए समय रे जमारु रागंतुनि प्रथमे भाई आउ दृष्टि विषय रे हमकु जानिबार अछि भाई आउ दृष्टि भल न होबा चाहे ए सब विषय रे आपण एबे चिंता करंतुनि चिंता करबिनि प्रतिमा बड़ बहु को पल्लवी कौन कहिछि से कथा कोन तु सुनि पारलुनि छड़ा तापस हूँ पल्लवीर सान भाई
आ निज भाई विषय रे एमिति कथा कहिबाकु ताकु के खराब लागलानी केवल सेतिक नुहे एही परिस्थिति रे से बड़ बहू को तापस पाखे रहिबाकु भी देलानी ताकु हॉस्पिटल रु बाहर कर देला आ एसब जानिला परे मु केमिति चिंता करबिनी बो मानुछी नानी अपा को सेठु बाहर करी बहुत बड़ा भूल करिछंती किंतु एबे आपण मो कथा मानंतु आगो भाई आउ दृष्टि को भलो हबा को दियंतु तापरे आपण ए सब विषय रे चिंता करिवे हां जीजे मां अ खुड़ी ठीक कथा कहउछंती आपण को एबे ए सब कथा चिंता करबा किछि भी दरकार नै घर बोले कौन करीबा दरकार से कथा तू चिंता करीबा इते दरकार नहीं कथा कौन प्रतिमा मते एमिती कहि लागु छी जे जेमिती तो नानी को सपक्ष रे कथा कहबा को चेष्टा करछु देख प्रतिमा तू बोधे भूली जाऊ छु जे से तते केते अपमानित कर छंती खाली घर लोक को आगे नुहे बाहर लोक को आगे भी से तते अपमानित कर छंती तू एमिति लोक को सपक्ष रे केमिति कथा कहि परु छु अपा जदी तमे अपमान रो कथा कहो छ ताहले मु तो कहबी ए घरे तमे भी तो मते किछि कम अपमान देइनो मु तो कहबी जे नानी को ठारु अधिक अपमान तमे मते देइछ से सब को मु सहिछि ताहले तमे कहो एबे मु पल्लवी नानी को सपक्ष रे कहूछि बोली तमे कोन पई कहूछ ता छड़ा एपे ए घरे कहार मुंड ठीक नहीं भाई आउ दृष्टि चिंता रे समस्त अछंती आउ गोटे कथा हला भाई को चिंता रे तमे हुए तो अपांकर को कथा को भूल बुझिछ सेइति पई कहूछि एबे रागरे कोनोसी निष्पत्ति नबा केबे भी ठीक हबनी मो कथा मान आग घर परिस्थिति ठीक हो जाओ तापर आम समस्ते बस ए विषय चिंता करिबा नाई प्रतिमा जहा ही गली भी मु ए कथा मो मुंडरु केबे भी बाहर करि परिबिनि मते मोर भविष्य तो जणा पड़ी गलानी स्वामी भलो न होनु जे मते एते कथा कहि पल्ले जदि जदि सतेरी तांकर किछि हे जे ताले तो से मते ए घर धक्का दी बाहर कर देबे नहीं नहीं मु केबे भी एते अपमान सहि परबिनी तेनु मते एबे ठु एठु चली जिबा को हबो नाई बो मु केबे भी एते अपमान सहि परबिनी प्रतिमार सिना ए सब सुनिबा आउ सहिबा अभ्यास हे गेलेनी किंतु किंतु मु ए बयस रे पुनी थरे ए सब अभ्यास करि परबिनी तेरो मे संगे संगे ए घरु मोर सब जिनस पत्र धरी चली जिबी ए संगे संगे चली जिबी संगे संगे रुआ बड़ बहु एटा होची तम घर तमरो ए घर छाड़ी जिबा किछि दरकार नहीं
नानी तमे सिना मते अपमान दे हॉस्पिटल रु बाहर कर देलो हेले संजुक्ता कौन करी पारिबो से कथा तमे भी जानिनो एबे बस देखिबार अछि जे तमे ए सब को केमिति सामना करुछ। मु जानि छी मु तो प्रति बहुत अन्याय करछि दृष्टि हेले या पछरे गोटे कारण अछि दृष्टि मु सब बेले भाबिथिलि गोटे सुंदरी आ पाठपरा झियो को दिव्यर स्त्री करी बोली सेथि पई तते केबे भी ता स्त्री बोली मु ग्रहण करी पार नथिलि हेले एबे मु बुझि पारु छी तापस किछि भी भूल करिनि से दिव्य को गोटे ठीक झियो सह बाह करै छी जे कि सारा जीवन ताको सबु विपद रु रक्षा करि परिबो हेले एबे तू भी गोटे कथा जानि रख तू जदि मो परिवार रक्षा करिया पई मते विश्वास करी किछि कथा कहिबो ताहले मु भी तते कथा दउ छी तोर से विश्वास को मु केबे भी भांगिबा को देबिनि केबे भी नहि दृष्टि मु तो ऊपरे बहुत अन्याय करी छी बिना कारण रे तते मु बहुत गाली करी छी तते केबे भी पुछिबा को कि जानिबा को चेष्टा करिनी मोर मन अछि रे मां दिव्य थारे मते प्रश्न पचारि थिला जे तमे दृष्टि कोमि केते जानि छ जे ता सहि हमदि व्यवहार करू छ आ मु उत्तर रे कहिथिलि मु दृष्टि को जानिबा को ही चाहुनी सतरे सृष्टि मु पूरा अंधा होई जाइथिली तो भीतर थिबा फल गुण को मु देखि पाउ नथिले दृष्टि हेले आज मु बुझि पारु जे जे दिव्य ठीक कहुथिला तो पाखरे एमिति गोटे क्षमता अछि बोली मु जानि नथिले दृष्टि पाठ पढ़ा सुंदरता से सबर तो बहुत आगरे दृष्टि बहुत आगरे पर मु कहिबि ए सबुठु तो पाखरे अधिका किछि अछि आ सेइटा होछि तो हृदय तो परि हृदय मु कहा पाखरे देखिनि हेले मो पाई तो एक कथा एबे भी भाबिबा कष्ट करे जे गोटे मणिष एते निस्वार्थ पर केमिति हे परिबो आई पिसि दा मु निस्वार्थ पर न पोर भी गोटे स्वार्थ अछि छंती पर निच लोक मन खुशी रे रहि शांति रे रहि तारे भूमि शांति रे रहि ओ या तो बड़ स्वार्थ आ कोन हे परिबो नाही दृष्टि एटा तो बरपण सेथिपाई तू एमती भाभी पारुछु मु किंतु तो परिका भाभी पारिबि जदि मु तो परि भाभी पारिथांती ताहले तापस आउ पो सहित मो संपर्क आजि एते खराब हेइ नथांता छाड़ से सब कथा जहा हेइ जाइछि हेले आज मु स्वीकार करुछि जे जो झियो मन दिव्य को बंचे रखि परिबो सिए ही मो दिव्य पई ठीक दृष्टि मु तो ऊपर बहुत अन्याय करिछि
ସେଇଥିପାଇଁ ପାରି ବୁଝାତି ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଚଢ଼ି ମତେ ପାପ ଲାଗିବ ପାପ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପାପ ତ ମୁଁ କରିଛି ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତତେ ଭୁଲ ବୁଝିକି କେତେ ଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ ତତେ ଅପମାନିତ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ପାପର ଭାଗିଦାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଖାଲି ଥରେ ତାପସ ଆଉ ତୋର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ ଦିବ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରାଇବି ପୁରା ଧୁମଧାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ବଡ ବୋହୁ ତୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ପୁଅ ଦିବ୍ୟକୁ ମୁଁ କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବି ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଏବେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପିସିନାରେ ଏବେ ସେସବୁ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ବାପା ବହୁତ ସାରା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତ କହିଥିଲେ ତାପସ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି କି ବିପଦ ନାଇଁ ପିସିନାରେ ମୁଁ ସେଇ ବିପଦ କଥା କହୁନି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ତାଠାରୁ ବି ବଡ ବିପଦ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦୃଷ୍ଟି ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପିସିନାରେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ମତେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ କଣ କହିଲୁ ତାପସ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି ହେଲେ କଣ ଜାଣିଛି ସେ କଣ ଜଣା ଅଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଯେମିତି କିଛି ବିପଦ ନ ଆସୁ ସଂଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ଭରସା ନାହିଁ ତୁ ବି ତାକୁ ବାଦ ଯିବା ବନ୍ଦ କର ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି ଦିବ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ କଣ କହୁଛୁ ଦୃଷ୍ଟି ସଂଯୁକ୍ତା ଦିବ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପଲ୍ଲବୀ ହିଁ ହଉଛି ଆମ ପରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ନାଇଁ ବୋ ନାନି କେବେ ବି ଏ ଘରର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବେନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚିହ୍ନିବାରେ ହୁଏତ ଭୁଲ କରିଛେ କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ବି ତା ନିଜ ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ କାହା କଥା କେବେ ମାନନ୍ତିନି
ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ସେ ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନଜର କରିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଏ ଘରର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେବେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ବି ଏକଥା ନଜର କରିଛି। ପିସିନୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହଁ ଏକଥା ସତ ଯେ ପିସିନାନୀ ମତେ ବହୁତ ଥର ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ମୋ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିସିନାନୀଙ୍କଠୁ ତ ବେଶୀ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଗାଳି ମମି ମୋ ସହ କରିଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହ ସୁନନ୍ଦା, ତତେ କଣ ମୋ କଥା ବୁଝା ପଡିଲାନି? ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କଥା ମଝିରେ କଥା କହୁଛୁ, କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ସେ କଥା ତୁ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବୁନି ଅପା? ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ କଣ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଣ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ମଣିଷ, ଇଏ କାହିଁକି ତମ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବନି? ପ୍ରତିମା, ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝା, ନାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରର କଣ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି, ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର କଥା ନ ବୁଝି ଆମ ଘର କଥାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଘରର ବୋହୂକୁ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।